आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को कपाट बंद होने के दिन स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। पुरुष होने के बावजूद वे न सिर्फ स्त्रियों की तरह कपड़े पहनते हैं बल्कि उन्हीं की तरह ही श्रृंगार भी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत और उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, जहां के कपाट अप्रैल में सभी भक्तों के लिए खोले जाते हैं और नवंबर में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया बेहद अनूठी है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया लगभग 5 दिन तक चलती है। इसमें भगवान गणेश, आदि केदार, खड्ग पुस्तक और महालक्ष्मी की पूजा होती है। सबसे पहले गणेश पूजन होता है, उसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में विराजित करवा दिया जाता है और गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद आदि केदार के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और खड्ग पुस्तकों का पूजन कर उन्हें भी मंदिर में रख दिया जाता है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के दौरान की सबसे विशेष परंपरा है मुख्य पुजारी का स्त्री रूप में आना। इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। दरअसल बद्रीनाथ परिसर पर बना है मां लक्ष्मी का मंदिर और जैसा कि सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही मां लक्ष्मी भी बद्रीश पंचायत छोड़ देती है और अपने मंदिर में विराजमान हो जाती है। तो कपाट खुले रहने के दौरान लक्ष्मी जी लगभग 6 महीने तक अपने मंदिर में भी विराजमान रहती हैं और जब कपाट बंद करने का समय आता है तो उन्हें बद्रीश पंचायत यानी श्री हरि के निकट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये कोई सामान्य रूप से लक्ष्मी जी की मूर्ति को उनके मंदिर से उठाकर बद्रीनाथ के गर्भगृह में रखने का मामला नहीं है। दरअसल यहाँ भक्तों और देवताओं के बीच का एक गहरा आत्मी संबंध है। कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले लक्ष्मी जी को बद्रीश पंचायत में विराजमान होने का निमंत्रण दिया जाता है और ये निमंत्रण लेके जाते हैं रावल यानी कि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी। निमंत्रण मिलने के बाद ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी बद्रीश पंचायत में जाने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। इसके बाद आता है बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का दिन, क्योंकि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी यानी रावल पुरुष होते हैं और लक्ष्मी जी को अपने हाथों से स्पर्श कर उठाना उचित नहीं माना जाता, इसलिए इस परंपरा को निभाने के लिए रावल बन जाते हैं लक्ष्मी जी की सखी यानी एक स्त्री। इसलिए वो एक स्त्री का वेश धारण करते हैं, उसी के अनुसार श्रृंगार करते हैं। ऐसी ही वो लक्ष्मी जी के मंदिर पहुंचते हैं और लक्ष्मी जी को अपनी गोद में उठाकर बद्रीनाथ के गर्भगृह पहुंचते हैं और उन्हें बद्रीश पंचायत में विराजमान करवाया जाता है। इसके बाद अब अगले 6 महीने तक लक्ष्मी माँ बद्रीश पंचायत में श्री हरि के सानिध्य में रहती है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय बद्री विशाल।